शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धांत राय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पोर्ट ब्लेयर नगर का सेक्रेटरी। हमारे साथ उपस्थित है श्री सीमा कुमारी जी, पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सेक्रेटरी और वर्तमान में छात्रा प्रमुख। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है श्री इत्तर सिंह जी। इत्तर सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पोर्ट ब्लेयर नगर के ज्वाइंट सेक्रेटरी है। विराज जी हमारे साथ उपस्थित है, हमारे मीडिया प्रभारी। सत्यजीत हलदार सह संयोजक, शरण शिवा जी अंडमान लॉ कॉलेज के छात्र हैं, एवं मुकिंद राव जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑफिस सेक्रेटरी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम अंडमान लॉ कॉलेज में जो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है इस विषय में रखे हैं। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि हमें मीडिया के सामने इस इशू को लेकर आना पड़ रहा है। हम जिस प्रकार से अंडमान लॉ कॉलेज के जो प्रोफेसर है जिसने मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया था, हमने इस मुद्दे को बिना किसी पब्लिसिटी या बिना किसी कैंपेनिंग के चलाने का सोचा था कि ताकि जल्द से जल्द उनके ऊपर में कुछ ना कुछ एक्शन हो और एडमिनिस्ट्रेशन खुद से इस मुद्दे को डील करे, क्योंकि हमें कॉलेज जो कि एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है अंडमान लॉ कॉलेज, इस कॉलेज के रेप्यूटेशन और बाकी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, इन सभी विषयों की चिंता थी। मगर सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, हमें मीडिया कर्मियों के आप सबके सामने पूरे मुद्दे को लेकर आना पड़ा। तो मैं शुरू करूंगा। अंडमान लॉ कॉलेज में जो प्रोफेसर है, जो जिनका नाम आप सभी को विदित है, एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने मोदी मुर्दाबाद का नारा अपने लेक्चर्स के दौरान लगाया। उस वीडियो को अगर आप अच्छे से सुनेंगे, उसमें उन्होंने दो बार मोदी मुर्दाबाद कहा है, और उसके बाद स्टूडेंट्स के रिटेलिएशन के बाद एक स्टूडेंट उसमें से बोलती है कि क्यों मोदी, क्यों मुर्दाबाद, क्यों मुर्दाबाद, दो बार स्टूडेंट इस बात को बोलती है। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। ठीक है, चलिए, उन्होंने ये बात लेक्चर्स के बीच में कही। अभी सवाल ये उठता है, क्या एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो प्रोफेसर है, क्या इस तरह की बात वो अपने लेक्चर्स में क्या कर सकता है क्या? मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद का अर्थ क्या है? मुर्दाबाद का यही अर्थ है कि मर जाओ। एक संविधानिक पोस्ट में अगर कोई व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जैसा वो पद है, उस पद के व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुन करके आया हुआ है, पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र ने जिनको चुना है, उस पद के लिए, पद में जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए वह मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद का नारा लगवाते हैं और स्टूडेंट को कहते हैं ये मेरा ओपिनियन है। क्या आप अंडमान लॉ कॉलेज में अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए एज अ लेक्चरर आप बैठे हुए हैं क्या? क्या आप लेक्चर के माध्यम से अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने के लिए कॉलेज में आते हैं क्या? ये सवाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधे सीधे तौर पे उनसे पूछता है और कॉलेज प्रशासन से पूछता है। और इसके साथ ही जो अभी कॉलेज की जो स्थिति है वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स आए मीडिया के सामने और उन्होंने ये पूरा विषय अपने एंगल से रखा, मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स का एंगल, स्टूडेंट्स का ओपिनियन का पूरा विषय है ही नहीं।
क्योंकि हम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो पूरा कंप्लीट ऑडियो था 6 मिनट 11 सेकंड का ऑडियो है, और जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो 52 सेकंड्स का ऑडियो है। उस पूरे ऑडियो को हम सभी आप सभी का डिमांड करती है, और हमने अभी तक क्या स्टेप लिया इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मुद्दा आया और कि उन्होंने इस प्रकार का नारा लगाया है, 21 अगस्त को मेरे संज्ञान में ये मुद्दा आया, अगले ही दिन मैंने एक कंप्लेन लेटर दिया प्रिंसिपल सर को, और अंडमान निकोबार प्रशासन के आला अधिकारियों को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये पूरा मुद्दा उन तक पहुंचाया। उसके साथ ही मैंने हमने एक FIR भी फाइल किया है, और उस FIR फाइल करने का मकसद ये है कि हर दिशा से इस मुद्दे को प्रशासन सीरियसली ले, क्योंकि अभी तक हमें कुछ रोशनी की किरण नहीं दिख रही है कि प्रशासन कुछ ना कुछ करे इस मुद्दे में। इसके साथ ही जब हमने प्रिंसिपल सर से बात किया कॉलेज का, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करेंगे, और उस कमेटी का मकसद होगा कि इस पूरे विषय को टटोले। तो इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुआ जैसे हमारे सूत्रों से पता चला है, और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। मगर हम इस पैनल के माध्यम से और आप सभी मीडिया कर्मियों के सामने ये उजागर करना चाहते हैं कि ये इंक्वायरी कमेटी पूरी तरीके से बायस्ड है। इस इंक्वायरी कमेटी में जितने भी लोग कमेटी के मेंबर हैं, जितने भी लोग इस कमेटी में बैठे हुए हैं, वो सभी उस प्रोफेसर के कलीग्स हैं, अंडमान लॉ कॉलेज के ही प्रोफेसर हैं। ना तो एनिलस जो अंडमान लॉ कॉलेज का सोसाइटी है, ना तो उससे कोई मेंबर उस कमेटी में शामिल है, ना तो कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में शामिल है, ना तो कोई सोशल वर्कर, क्योंकि कभी भी इस तरह का कोई भी कमेटी बनता है तो कोई ना कोई आउटसाइडर एक न्यूट्रल पर्सन के रूप में उसमें होना चाहिए, कोई ना कोई सोशल वर्कर उसमें शामिल होना चाहिए, या तो कोई दूसरे कॉलेज का जो लर्नर्ड फैकल्टी है वो शामिल होना चाहिए, मगर ऐसे कोई भी व्यक्ति उस कमेटी में नहीं दिखते। तो साफ साफ तौर से उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी वो प्राइमा फीसिया वह रिपोर्ट बायस्ड ही कहलाई जाएगी। और जैसे कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है, कमेटी ने सभी, क्योंकि जब ये घटना हुआ था उस समय के सेकेंड ईयर में हुआ था, सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चनरी सौंपा था और उसमें उनका ओपिनियन शेयर करने के लिए कहा था। मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ओपिनियन की बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम कॉलेज की बात करते हैं, जब हम कॉलेज में हुए किसी घटना की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स ओपिनियंस में ही डिफर करते हैं, उसे हम प्राइमरी सोर्स के रूप में नहीं देख सकते। प्राइमरी सोर्स यहाँ पे है ऑडियो, ऑडियो सही है या नहीं है, ऑडियो में उनका आवाज है या नहीं है, इसकी जाँच होनी चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम जो कुछ स्टूडेंट्स आए थे मीडिया के सामने, उसमें एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमारे प्रोफेसर जो है वो फेल होते हुए, जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उनको भी 2 मार्क्स दे करके उनको पास कर देते। इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना अनड्यू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स के ऊपर में है, ये प्रोफेसर स्टूडेंट्स को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मेरे वक्तव्य के बाद अभी उस क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स थे सत्यजीत और शरण शिवा, ये आपको और भी डिटेल में इस विषय के ऊपर में बताएंगे कि उनका किस किस प्रकार के विषयों में वो चर्चा करते थे क्लास में। क्योंकि केवल एक मोदी मुर्दाबाद का विषय हमने इसीलिए उठाया है क्योंकि केवल इस विषय का प्रूफ हमारे पास है और ऑडियो हमारे हाथों में है। मगर सांप्रदायिक मुद्दों पर चर्चा करना, जो मुद्दे सुलझ चुके हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे सुलझ चुके हैं, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पर स्टूडेंट्स को कुछ अलग एंगल से भड़काना, इस तरह के बातों में, और फिर कुछ कुछ खान पान के विषयों में जो किसी धार्मिक संप्रदाय को ठेस पहुंचा सकती है, इस प्रकार के विषयों में वो अपने लेक्चर्स के दौरान चर्चा करते थे। मैं यहाँ पे साफ साफ कॉलेज प्रशासन से और उस प्रोफेसर से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कॉलेजों को JNU बनाना चाहते हैं? क्या आप अंडमान निकोबार में स्टूडेंट्स के माध्यम से कुछ भ्रम फैलाना चाहते हैं? हम राजनीति नहीं करते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरी तरीके से गैर राजनीतिक संगठन है और राजनीति में हमें कोई रुचि भी नहीं है। मगर पॉलिटिकल साइंस के विषय के नाम पे अगर कोई पॉलिटिक्स करेगा स्टूडेंट्स के साथ, तो तब हम चुप नहीं बैठेंगे।
अगर आपको क्रिटिसिज्म ही करना है तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए, आप मुद्दों पर चर्चा करिए कि राष्ट्र में क्या मुद्दे हैं, देश भर में क्या मुद्दे चल रहे हैं, गवर्नमेंट उनको कैसे डील कर रहा है, क्या क्या सही है क्या गलत है। आप एक मवाली जैसे सड़क में किसी दंगे फसाद के दौरान मुर्दाबाद का नारा लगाता है, इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स के बीच में बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी असहनीय बात है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार का चर्चा होता है तो उनके मन में इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज का माहौल अभी खराब कर रहे हैं, जो उसी क्लास के अभी जो शरण शिवा आपको बताएंगे मेरे वक्तव्य के बाद। मैं इसके साथ ही आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कमेटी फॉर्म हुई है वो कमेटी का रिपोर्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट जब आ जाएगा उसे देखने के बाद हम उसे इस निष्कर्ष पे आएंगे कि उसे किस प्रकार से लिया जाएगा। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस प्रोफेसर के ऊपर में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये डिमांड करेंगे कि आप इस विषय को गंभीरता से लें और कॉलेज में कॉलेज का माहौल अच्छा बना रहे, और कभी भी किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स, किसी भी प्रकार की राजनीति कॉलेज में ना हो, इस विषय पर आप गंभीरता से सोचें और इस इन प्रोफेसर के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे कि ये राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं, मैं एक साधारण सी बात आप सभी के सामने बोल करके अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। अंडमान का जो एनवायरमेंट है ये इतना अच्छा एनवायरमेंट है, यहाँ का जो पॉलिटिक्स है ये इतना बेहतर पॉलिटिक्स है, मैं देखता हूँ कि यहाँ में जो राजनेता है वो जब सवेरे अपने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं तब वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल होते हैं, मगर जब शाम होता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न जो चाय दुकान वगैरह है वहां पे ऐसे ही मिलते हैं जैसे कि दो दोस्त मिल रहे हैं। इतने अच्छे स्थिति में, इतने अच्छे राजनीतिक परिवेश में जो अंडमान में है, यहाँ पे इस प्रकार के लोग जो अर्बन नक्सल प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार के लोग स्टूडेंट्स के माध्यम से भ्रम फैलाते हैं और स्टूडेंट्स इनके बहकावे में आ जाते हैं। मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से अंडमान लॉ कॉलेज के सभी छात्रों को ये अपील करूंगा कि आप किसी भी बहकावे में ना आए, कॉलेज में राजनीति ना करें और कॉलेज में इस तरह के जो माहौल है इसको इग्नोर करते हुए अपने स्टडीज में फोकस करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद अंडमान लॉ कॉलेज में अभी तक विभिन्न मुद्दों को लेकर के सामने आया है। जब हमारे जो पहले प्रिंसिपल थे सौंदर पांडियन सर, उस समय उन जो तबके तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे जितेंद्र नारायण जी, उन्होंने उनका इंसल्ट किया था जिसके कारण वो रेजिग्नेशन देकर के चले गए थे। तब पूरे अंडमान निकोबार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही केवल उस तानाशाह रूपी सीएस के सामने विरोध करते हुए आया था पहली बार। और कॉलेज का स्टाइफन का मुद्दा हो, कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी का मुद्दा हो, विद्यार्थी परिषद मतलब गलत गलत टिप्पणियां करना, जैसे कि हमें एक दिन वो लेक्चर के दौरान, क्लास के दौरान ही हर चीज बोलते हैं, लेक्चर के दौरान ये बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन हिंदू उन लोगों की गाय को काटते हैं, उन लोगों की सब कुछ करते हैं, पर उन लोग ये दिखा रहे हैं कि पब्लिक के लिए दिखाते हैं कि हमारे हिंदू है उन लोग की गाय को रक्षक करते हैं। फिर हमें एक दिन ये भी बोल लेक्चर के दौरान बोल रहे हैं कि आप भी एक बार गाय का मांस खा के देखें, हम भी खाते हैं, ये भी फूड है, फिर हमारे फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर हमारे भारतीय संस्कृति में हम सभी जानते हैं कि हम तिलक लगाते हैं, कलावा का प्रयोग करते हैं, इस पर भी उनका गलत गलत टिप्पणियां हुआ है। और मेरे मित्र शरण शिवा जैसे से उनका इस बात पर आर्गुमेंट भी हो चुका है, वो आपको विस्तार से बोलेंगे। फिर आप सभी को जैसा पता है कि राम मंदिर का मुद्दा जो सुलझ चुका है, जो मुद्दा एकदम सुलझ चुका है कोर्ट के दौरान जो हो चुका है, पर उस मैटर में वो बोल रहे हैं कि हमारे जो राम भगवान है वो मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारे हमारी क्लास में भी वो मतलब एक टर्म यूज करते हैं, गोदी मीडिया, मतलब एक इंटेंशनली हमेशा वो मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, ये करेंगे, और हमारे संस्कृति के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते रहते हैं। और बाकी हमारे शरण शिवा जी आगे का बोलेंगे। नमस्कार, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं वी शरण शिवा अंडमान लॉ कॉलेज थर्ड ईयर का स्टूडेंट।
आप पिछले एक हफ्ते से जो ऑडियो सुन रहे हैं कुछ सेकंड्स की, वो ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की थी क्लास के दौरान, और मैं हर क्लास का ऑडियो जो हूँ वो रिकॉर्ड करता हूँ फॉर ओनली फॉर स्टडी पर्पस। पूरे क्लास का दौरान मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और हमारे क्लास एक घंटा की होती है लगभग, मेरा जो रिकॉर्डिंग करता हूँ लगभग एक घंटा या उससे 10-15 मिनट कम की रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, और जो भी रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं ओनली फॉर स्टडी पर्पस से करता हूँ। और जो भी मेरे कुछ मित्र एब्सेंट हो जाते हैं या कोई नहीं लिख पाते हैं क्लास में नोट्स जो होते हैं, उनको वो जब मुझसे पूछते हैं तो ही मैं उसको शेयर करता हूँ, और ऐसे ही इंटेंशन से कि ताकि वो अपना नोट्स कंप्लीट कर सके, आगे पढ़ सके। तो मैंने अपना जो रिकॉर्डिंग की थी उस क्लास की, उस ऑडियो को मैंने शेयर किया था मेरे मित्रों को जो भी मेरे क्लास में पढ़ते हैं, और मेरा ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि ऐसा कोई सर को अपना पर्सनली दुश्मनी निकाल ले। जैसे कि मेरे क्लासमेट सत्यजीत ने कहा था कि मेरे और सर के पीछे बहुत बार आर्गुमेंट हुई थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि आर्गुमेंट हुई थी, मैंने ही उस सर का बात का रिकॉर्डिंग किया था। तो अब बात ऐसा आ चुकी है क्योंकि सर के साथ मेरी आर्गुमेंट हुई बहुत, सर क्लास में सबके सामने मेरे और सर के बीच आर्गुमेंट होती रहती है, और मेरा और सर के बीच में ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी कभी भी नहीं थी कि मैं सर को ऐसा दुश्मनी निकालने के लिए एक वीडियो या जो रिकॉर्डिंग है वो रिलीज करो। मेरा सिर्फ इंटेंशन सर से यही था कि क्योंकि ओपिनियन सबकी अलग अलग होती है, सर का ओपिनियन और मेरा ओपिनियन नहीं मिलती, कभी कभार हमारा बीच में क्लासेस हो जाती है, तो क्लास में सबके सामने मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ और उसकी गवाही सभी क्लास मेंबर्स है। अब वो माने या ना माने वो मैं अभी नहीं बोल सकता। और रही बात अभी जब मुद्दे चल रहा है हमारा कॉलेज में जो सिचुएशन अभी हो चुकी है, अभी स्टूडेंट बढ़ चुके हैं कुछ जो सर के साथ है और कुछ जो एबीवीपी के साथ हो गए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न्यूट्रल खड़े हैं। अब माहौल किसका खराब हो रहा है? माहौल खराब हो रहा है कॉलेज का, नाम बदनाम हो रहा है कॉलेज का। अब नुकसान किसका हो रहा है? अभी जो भी जजमेंट आएगा सर का हित में आएगा, नहीं उसके खिलाफ में आएगा। अब नुकसान किसका ज्यादा हो रहा है? स्टूडेंट का हो रहा है, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारा क्लासेस भी ठीक से नहीं चल रहा है एक मुद्दे के कारण, और कॉलेज का माहौल बहुत खराब है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि पॉजिटिव मैनर में जो भी मुद्दा है वो बहुत जल्दी ठीक हो, और जो भी हमारा जो क्लासेस है वो जल्दी शुरू हो और बहुत अच्छे से हमारे क्लासेस चले, और हमारे जो भी आगे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो भी पढ़ते हैं उनका बीच में जो भी बातें हैं वो इस मैटर के साथ ही खत्म हो जाए, ताकि इस मैटर को जो जब सॉल्व हो जाए मैटर, ये मैटर आगे ना बढ़ पाए। और हमारे जो भी सर है श्री लोकनाथन सर जी, उनका भी जो भी स्टेटमेंट आएगा उसे सभी स्वीकार करना चाहिए, भले वो सर का खिलाफ में आए हो या सर के हित में आए। और मेरा सिर्फ यही सोच है कि जो भी मैटर है वो जल्दी सॉल्व हो और कॉलेज के सारे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। नमस्कार। जैसे कि अनुमान लॉ कॉलेज में जो इश्यूज है उनके बारे में हमारे सभी मित्रगण ने बात की है, जो कि स्लोगन मोदी मुर्दाबाद से शुरू होता है और यह विषय उस ऑडियो से निकलता है। तत्पश्चात हमें विभिन्न मुद्दे पता चलते हैं, जैसे कि वो फुल्ली मतलब कम्युनल वायलेंस की बात करते हैं कि कैसे जो शांति बनी हुई है अंडमान में वो भंग हो, और उस विषय पे क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होते, उनकी आइडियोलॉजी बनी रही होती है। अगर वैसे स्थिति में कोई लगातार उनकी उनकी मानसिक स्थिति को भटका रहा हो और ऐसे उनको एक हिंसा करने के लिए उत्साहित कर रहे हो, अपने कल्चर को बुरा भला करना, अगर आप तिलक लगाते हैं या हाथ में कलावा पहनते हैं तो उसकी बुराई करना, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी एक नॉमिनल हेड है इंडिया के, वर्ल्ड लीडर उनको कहा जाता है, उनको नाम लेकर क्लासेस में बार बार उनके उनके मुर्दाबाद का स्लोगन लगाना, ये सभी क्योंकि हम राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऑब्जेक्ट है। तो हम इस सभी बातों का निंदा करते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें भारतीय परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। भारत के जो संविधान है उसमें भी लिखा है अंडर आर्टिकल 25-28 कि हम अपने रिलीजियस जो हमारे अफेयर्स है उनको हम फॉलो कर सकते हैं, हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको हम चला सकते हैं। कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। सेकंड बात,
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हैं, तो उनके खिलाफ अगर मुर्दाबाद जैसे स्लोगन्स आप ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में बोल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के माइंडसेट को इफेक्ट करता है, जो कि अंडर आर्टिकल 19(2) प्रोहिबिटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन तो है, ये सभी को पता है, बट वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही है। ये बात प्रोफेसर्स को तो पता होनी ही चाहिए, उन्होंने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो उनको ये बात को की तो खबर होगी ही। इन सभी बातों को जानते हुए भी वो बच्चों की मानसिकता को भड़का रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ही यही है, जो शांत माहौल है उसको खराब करना, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको नाम लेकर क्रिटिसाइज करना। आप एग्जांपल में बिना नाम लिए भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमने भी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस किए हैं, बट हमारे कोई टीचर नहीं थे जिन्होंने कोई भी, चाहे अभी के प्राइम मिनिस्टर हो या पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व के कोई भी नेता का नाम लेकर हमें क्रिटिसाइज किया हो। सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं, मुर्दाबाद के स्लोगन्स लगाना, जो एक बहुत बड़ी हिंसा होती है तब ऐसे स्लोगन्स लगते हैं, वो आप शांत माहौल में लगा रहे हो, बच्चों की मानसिकता को बिगाड़ रहे हो। तो ऐसे प्रोफेसर के ऊपर तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही चाहती है कि कार्यवाही हो, और उनको जो है वो असिस्टेंट जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वो एज ए लेक्चरर अंडमान लॉ कॉलेज में काम करते हो, उनको वहां से निकाला जाए। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्म भी अचानक 3 साल कैसे बढ़ गया नहीं पता। हम मानते हैं कि लॉ कॉलेज में प्रोफेसर की कमी है, बट हमें ऐसे प्रोफेसर चाहिए जो अंडमान में हिंसा को नहीं बढ़ाए, अंडमान में राष्ट्रवाद को बढ़ाए, और उसके साथ साथ अंडमान के जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनके मस्तिष्क में, उनके मन में राष्ट्र हित को पैदा करें। राष्ट्र के लिए क्या काम कर सकते हैं आप वो चीज करें, ताकि राष्ट्र के विकास में हम अपना योगदान दे सके। ऐसी अगर ऐसे कम्युनल वायलेंस जैसे टॉपिक्स पढ़ाई होंगे तो आगे वो बच्चे जाके अपने राष्ट्र के विकास के लिए काम नहीं करेंगे, वो ऐसे ही मुद्दों में भटके रहेंगे, उनका मानसिक विकास पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा, वो अपने कल्चर को ही फॉलो नहीं करेंगे। और जो कंट्री अपने कल्चर को फॉलो नहीं करके आगे बढ़ता है उनकी स्थिति कैसे होती है आज हम दूसरे कंट्रीज के एग्जांपल से देख सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते क्या? अगर आपको स्लोगन्स लगाने हैं अननोन नाम से लगाइए, ऐसे ही लगाइए कि दूसरे लेक्चर भी तो बढ़ाते हैं ना पॉलिटिकल साइंस। मैं खुद लॉ कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, हमारे टाइम में भी हमने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, कभी वो लेक्चरर ने कभी ऐसा नहीं कहा, बट ये सर जब से आए हैं तब से लगातार ऐसे ही क्लासेस में जो है वो बातें रख रही हैं। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अन्नमा लॉ कॉलेज प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि जो प्रोफेसर है उनके अन्नमा लॉ कॉलेज के लेक्चरर के पद से उनको हटाएं, कोई अच्छे प्रोफेसर को लाएं जो राष्ट्रहित की बातें को रखे। दूसरा, जो अभी कमिटी बैठाई गई है उसका पुनर्गठन हो, कमिटी में फेयर लोग रहे जो अंडमान लॉ कॉलेज के साथ साथ सोशल वर्कर्स और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी वहां लोग आए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ ऐसे मुद्दों को वीडियो बना के वायरल नहीं करते, जो कि इससे पहले कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया था, हम अंडमान लॉ कॉलेज के शुरुआत से लेके अभी तक के सारे मुद्दे पे हमने काम किया है। अंडमान लॉ कॉलेज जब था नहीं तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही थी जो अंडमान में लॉ कॉलेज जैसे कॉलेजेस आए उसकी डिमांड की थी, और जब लॉ कॉलेज आया तो लॉ कॉलेज का परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, परमानेंट बिल्डिंग हो, फैकल्टीज बराबर हो, प्रिंसिपल परमानेंट हो, इसकी डिमांड लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रही है, और जिसका परिणाम है कि हम देखने को देख सकते हैं कि लैंड अलॉटमेंट जैसी बात ऐसे हमारे प्रिंसिपल सर से हमें सुनने को मिली है। 6 साल हुआ है लॉ कॉलेज को बना हुआ, 6 सालों में थोड़ी बहुत प्रगति हुई, और लॉ कॉलेज का जो आज यहाँ पे है उसमें कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक मांग थी जो पूरी हुई है। हम अंडमान में डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहते हैं ताकि हर क्षेत्र के लोग अंडमान के विकास के लिए काम करें, हर क्षेत्र की जानकारी अंडमान के बच्चों के पास हो, अंडमान के यूथ के पास हो, ताकि हम अंडमान का विकास कर भारत का विकास करें। तो इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ी शब्दों में यह अंडमान लॉ कॉलेज के प्रशासन से कहती है कि ऐसे प्रोफेसर को तुरंत जो है वो लेक्चरर के पोस्ट से हटाए और अच्छे प्रोफेसर जल्दी से जल्दी लॉ कॉलेज में लाए, ताकि बच्चों के जो क्लासेस हैं वो पूरी तरीके से उन्हें क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई बर्बाद ना जाए और वो अपना अच्छा भविष्य का निर्माण कर सके। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।